दोस्तों आचार्य चाणक्य अपने एक श्लोक में कहते हैं कि जैसे मछली आंखों से, कछुआ ध्यान देकर और पंछी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही अच्छे लोगों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। और जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय जीवन के सारे अच्छे काम कर लेने चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। और विद्या अर्जन करना ये एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। ये विदेश में माता के समान रक्षक और हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। और आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, असंख्य तारे ये काम नहीं कर सकते। और एक ऐसा बालक जो जन्म लेते वक्त मृत था, ये एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, परंतु दूसरा बालक उसके माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। और ये छह बातें इंसान को बिना आग के ही जलाती है। एक छोटे गांव में बसना जहाँ रहने की कोई सुविधाएं उपलब्ध ना हो, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है, ऐसा भोजन करना जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और जो शरीर को नुकसान पहुँचाए, और जिसकी पत्नी हमेशा गुस्से में रहती है, पांचवा जिसका पुत्र मूर्ख है, और छठा जिसकी पुत्री विधवा हो गई है। और चाणक्य कहते हैं कि वो गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है और ना ही बच्चे को जन्म देती, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ और ना ही भगवान का भक्त बना। और जो व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है, उसे तीन चीजें ही सहारा देती है, पुत्र और पुत्री, पत्नी और भगवान के भक्त। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये तीन बातें जीवन में एक ही बार होनी चाहिए, राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना और लड़की का ब्याहना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगले श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करें, कोई गीत गाते हैं तो तीन लोग करें, कृषि चार लोग मिलकर करें, और युद्ध हो तो अनेक लोग मिलकर करें। और जिस व्यक्ति की कोई संतान नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसके कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ हैं, मूर्ख व्यक्ति का दिल उजाड़ है और निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। और जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है, जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है, निर्धन व्यक्ति के लिए किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रमों में एकत्र होना जहर है। और जिस व्यक्ति के पास धर्म है और दया नहीं है उसे दूर कर दो, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर कर दो, जिस पत्नी के चेहरे पर हमेशा जलन रहती है उसे दूर कर दें, और जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उन्हें दूर कर दो। और हमेशा भ्रमण करना यानी कि हमेशा ट्रैवल करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है, और वहीं घोड़े को अगर हरदम बांध कर रखें तो वो बूढ़ा हो जाता है, धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन छह बातों पर बार बार गौर करना चाहिए, सही समय पर, सही मित्र पर, सही ठिकाने पर, पैसे कमाने के सही साधन पर, पैसे खर्चा करने के सही तरीके पर, और अपने ऊर्जा के स्रोत पर, अर्थात आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं और आपका लिविंग स्टाइल कैसा है। और मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है, मनुष्य के बोल चाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है, मान सम्मान उसके प्रेम को बढ़ाता है, और उसके शरीर का गठन उसके भोजन से बढ़ता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए, पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए, और मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। और एक बुरे इंसान और एक सांप में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा है, लेकिन एक बुरा इंसान हर मिनट आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। और जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ और तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं बदलते। और मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उसे त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वह दो पैरों वाले पशु के समान है जो अपने धारदार वचनों से ही दिल को छलनी करता है, जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी कर रहा हो। और चाणक्य कहते हैं कि कोयल की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके परिवार के प्रति समर्पण में है, और एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है, तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में। और कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे, गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे, देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे। और जो उद्यमशील होते हैं वह गरीब नहीं हो सकते,
जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता, जो मौन रहते हैं वो झगड़ों में नहीं पड़ते और जो जगे रहते हैं वो डरते नहीं। अत्यंत सुंदरता के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः अति जैसी चीज को त्याग देना चाहिए। और शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है, व्यापारियों के लिए कौन सी जगह दूर है, विद्वान के लिए कोई देश विदेश नहीं है और मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। और जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी प्रकार एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। और जिस प्रकार केवल एक सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। और 5 साल तक पुत्र को लाड़ एवं प्यार से पालना चाहिए, 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 का हो जाए तो उसे मित्रता के समान व्यवहार करना चाहिए। और एक व्यक्ति तभी सुरक्षित रह सकता है जब वो इन 4 परिस्थितियों में भागना जानता हो, भयावह आपदा, विदेशी आक्रमण, भयंकर अकाल और दुष्ट व्यक्ति की संगत। और धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चल के आती है जहाँ पर मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है, पति पत्नी में आपस में लड़ाई नहीं होती। और जो लोग धर्म का पालन करते हैं, और उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है और जिसे अपने धन पर संतोष है। और पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्र का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। और ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें और एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपस में मिल जाते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। और मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मन में उसको सुरक्षित रख के उस कार्य को परिणाम तक पहुंचाए। और मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा दुखदाई है किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना। और हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होती, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं पाए जाते। और एक ब्राह्मण का बल तेज और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना है, तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा में है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने एक श्लोक में कहा है कि मूर्ख व्यक्ति, बुरे चरित्र वाला व्यक्ति और बेवजह दुखी रहने वाला व्यक्ति, इन 3 लोगों की कभी मदद नहीं करनी चाहिए। और यदि आप पर मुसीबत नहीं आती तो उससे सावधान रहें, लेकिन मुसीबत आ जाती है तो किसी भी तरह उससे छुटकारा पाएं। अनेक व्यक्ति जो एक ही गर्भ से पैदा हुए या एक ही नक्षत्र में पैदा हुए वो एक से नहीं रहते, जैसे बेर के झाड़ के सभी बेर एक से नहीं रहते। और वह व्यक्ति जिसके हाथ स्वच्छ है कार्यालय में काम नहीं करना चाहता, जिसने अपनी कामना को खत्म कर दिया वह शारीरिक श्रृंगार नहीं करता, जो आधा पढ़ा हुआ व्यक्ति है वह मीठे बोल नहीं बोल सकता और जो सीधी बात करता है वह धोखा नहीं दे सकता। और मूर्ख लोग बुद्धिमानों से ईर्ष्या करते हैं, गलत मार्ग पर चलने वाली औरत पवित्र स्त्री से ईर्ष्या करती है और बदसूरत औरत खूबसूरत औरत से ईर्ष्या करती है। और खाली बैठने से अभ्यास का नाश होता है, दूसरों को देखभाल करने के लिए देने से पैसा नष्ट होता है, गलत ढंग से बुवाई करने वाला किसान अपने बीजों का नाश करता है, और यदि सेनापति नहीं है तो सेना का नाश होता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अर्जित विद्या अभ्यास से सुरक्षित रहती है, घर की इज्जत अच्छे व्यवहार से सुरक्षित रहती है, अच्छे गुणों से इज्जतदार आदमी को मान मिलता है और किसी भी व्यक्ति का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है। और धर्म की रक्षा पैसे से होती है, ज्ञान की रक्षा जमकर आजमाने से होती है, राजा की रक्षा उसकी बात मानने से होती है, और घर की रक्षा एक दक्ष गृहिणी से होती है। और जो वैदिक ज्ञान की निंदा करते हैं, साथ ही शास्त्र में बताई गई जीवन शैली का मजाक उड़ाते हैं, शांतिपूर्ण स्वभाव के लोगों का मजाक उड़ाते हैं, वो बिना किसी आवश्यकता के दुख प्राप्त करते हैं। और दान गरीबी को खत्म करता है, अच्छा आचरण दुख को मिटाता है, विवेक अज्ञान को नष्ट करता है और जानकारी डर को समाप्त कर देती है। और वासना के समान दुष्कर कोई रोग नहीं, मोह के समान कोई शत्रु नहीं,
क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं और स्वरूप ज्ञान के समान कोई बोध नहीं होता। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अकेले ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है, अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम अकेले ही भोगता है, अकेले ही व्यक्ति नरक में जाता है या सदगति प्राप्त करता है। और जिसने अपने स्वरूप को जान लिया उसके लिए स्वर्ग तो तिनके के समान है। एक पराक्रमी योद्धा अपने जीवन को तुच्छ मानता है। जिसने अपनी कामना को जीत लिया उसके लिए स्त्री भोग का विषय नहीं है, उसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड तुच्छ है, जिसके मन में कोई आसक्ति नहीं है। और जब आप सफर पर जाते हैं तो विद्यार्जन ही आपका मित्र है, घर में पत्नी आपका मित्र है, बीमार होने पर दवा मित्र है, और अर्जित पुण्य मृत्यु के बाद एकमात्र मित्र है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए भोजन व्यर्थ है, पैसे वाले आदमी के लिए भेंट की हुई वस्तु का कोई अर्थ नहीं, और दिन के समय जलता दिया व्यर्थ है, और वर्षा के जल के समान कोई जल नहीं, खुद की शक्ति के समान कोई शक्ति नहीं, नेत्र ज्योति के समान कोई प्रकाश नहीं, और अन्न से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। और निर्धन को धन की कामना, पशु को वाणी की कामना, लोगों को स्वर्ग की कामना और देव लोगों को मुक्ति की कामना होनी चाहिए। और अगले श्लोक में चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्मी जो संपत्ति की देवी है वह चंचला है, हमारी श्वास भी चंचला है, हम कितना समय तक जिएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है, हम कहाँ रहेंगे ये भी पक्का नहीं। कोई बात यहाँ पर पक्की है तो ये कि हमारा अर्जित पुण्य कितना है। और आदमियों में नाई सबसे धूर्त है, कौवा पक्षियों में धूर्त है, लोमड़ी प्राणियों में धूर्त है, और औरत में लंपट औरत सबसे धूर्त है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये सब आपके पिता हैं, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको यज्ञोपावित संस्कार किया, जिसने आपको पढ़ाया, जिसने आपको भोजन दिया, और जिसने आपको भयपूर्ण परिस्थितियों में बचाया। और इन सब को अपनी माता समझे, राजा की पत्नी को, गुरु की पत्नी को, मित्र की पत्नी को, पत्नी की माँ को, और अपनी माँ को। और अपने ही घर में व्यक्ति के ये चार शत्रु हो सकते हैं, उसका बाप यदि वो हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि दूसरे पुरुषों के साथ रहती है, उसके पास सुंदर पत्नी है, या उसका लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं करी, और राजा को उसके नागरिकों का पाप लगता है, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा का पाप लगता है, पति को पत्नी का पाप लगता है, और गुरु को उसके शिष्यों का पाप लगता है। और जो जन्म से अंधा है वो देख नहीं सकता, उसी तरह जो वासना के अधीन है वह भी कभी देख नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि उसने कुछ बुरा किया, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। और धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान व्यक्ति को ही बड़ा आदमी कहा जाता है, और पैसे वाले को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, और नदी बहती रहे तो साफ रहती है। और आचार्य चाणक्य का सबसे बेहतरीन श्लोक है कि एक लालची आदमी को भेंट वस्तु देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट करें, और एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें, और एक बेकार राज्य का राजा होने से ये बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो, एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि किसी के मित्र ना हो, एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य के रहो, और एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी के रहो, और एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे रह सकते हैं, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, और एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त हो सकती है। और शेर से एक बात सीखे, बगुले से एक, मुर्गे से चार बात सीखे, कौवे से पांच बात सीखे, कुत्ते से छह बात सीखे, और गधे से तीन बात सीखे, शेर से ये बढ़िया बात सीखे कि आप जो भी करना चाहते हैं उसे एक दिली और जबरदस्त प्रयास से करें। बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्यों को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूरा करे। मुर्गे से चार बात सीखे, सही समय पर उठना, निडर बने रहना, और संपत्ति रिश्तेदारों का उचित बंटवारा करना, और अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करना। कौवे से पांच बात सीखे, अपनी पत्नी के साथ एकांत में पढ़ने करना, निडरता, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, सभी ओर दृष्टि घुमाएं और दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। कुत्ते से ये बातें सीखें कि बहुत भूख होने पर खाने को कुछ ना मिले या बहुत कम मिले तो भी उसे खाकर संतोष करें। गाड़ी नींद में हो तो भी क्षण भर में उठ जाएं।
अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदारी रखें और निडरता से रहें, और गधे से ये तीन बातें सीखें: अपना बोझ ढोना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें और सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वह जो भी करेगा उसमें सफल हो जाएगा। और एक बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, उसे क्रोध आ गया है, उसकी पत्नी ने उसके साथ गलत व्यवहार किया, लोगों ने उसे गालियां दी, या फिर वह किस प्रकार बेइज्जत हुआ। इन बातों को हमेशा सीक्रेट रखें। और जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में, खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं, वो सुखी रहता है। और जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं, उन्हें भी नहीं होता। और इन तीन चीजों में हमेशा संतुष्ट रहें: खुद की पत्नी, वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया, और उतना धन जितना ईमानदारी से कमा लिया गया। लेकिन व्यक्ति को इन तीन चीजों में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए: अभ्यास, भगवान के नाम का स्मरण और परोपकार। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इन दोनों के बीच में कभी नहीं जाना चाहिए, दो ब्राह्मण के बीच में, ब्राह्मण और उसके यज्ञ करने वाली अग्नि के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, स्वामी और उसके चाकर के बीच में, हल और बैल के बीच में। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, सींग वाले जानवर से 10 गज की दूरी रखें, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाए। और हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपा के नियंत्रित करें, सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के नियंत्रित करें, और एक बदमाश को तलवार से। और आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ब्राह्मण अच्छे भोजन से संतुष्ट होते हैं, मोर बादलों के गरजने से, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर, और एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें, और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता विनम्रता से या कठोरता से करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता और मीठे वचनों में है। और अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप यदि वन में जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे होते हैं उन्हें काट लिया जाता है, और जो पेड़ आड़े तिरछे होते हैं वो खड़े रहते हैं। और हंस वहां रहता है जहां पानी होता है, पानी सूखने पर वह उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दे कि वह आपके पास आता जाता रहे, मतलब सिर्फ मतलब पर आपको याद करे। और वह व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी को इज्जत मिलती है। और स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोग और धरती पर निवास करने वाले लोगों में बहुत कुछ सामान्य पाया जाता है। उनके समान गुण हैं परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना और ब्राह्मणों की जरूरतों की पूर्ति। और नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वालों में ये सामान्यता होती है: अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों से मित्रता। और यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हैं तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, उससे ना तो उसकी इज्जत ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। और यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वचन, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए, उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा भी होनी चाहिए। और जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार आप ठीक से देखते हैं तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत, लेकिन जो लोग उच्च वर्ग के होते हैं वो सिर्फ सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च लोगों की असली दौलत होती है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दें और दूसरों को भी ना दें। जो जल बादल को समुद्र देता है वह बड़ा मीठा होता है, बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। और शरीर में मालिश करने के बाद, शमशान में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, दाढ़ी बनाने के बाद, जब तक आदमी स्नान नहीं कर लेता वह चंडाल रहता है। और जल अपच की दवा है, जल चैतन्य निर्माण करता है,
यदि उसे भोजन पच जाने के बाद पीते हैं तो पानी को भोजन के तुरंत बाद पीना विष के समान होता है, और यदि ज्ञान को उपयोग में ना लाया जाए तो वह खो जाता है। आदमी यदि अज्ञानी हो तो खो जाता है। सेनापति के बिना सेना खो जाती है और पति के बिना पत्नी खो जाती है। और वह आदमी अभागा है जो अपने बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु देखता है। वह भी अभागा है जो अपनी संपदा संबंधियों को सौंप देता है, और वह भी अभागा है जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये बातें बेकार हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन निहित यज्ञ कर्मों को ना करना, यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त न करना। पूर्णता तो भक्ति से ही आती है, भक्ति ही सभी सफलताओं का मूल होता है। और एक संयमित मन के समान कोई तप नहीं, संतोष के समान कोई सुख नहीं, लोभ के समान कोई रोग नहीं, और दया के समान कोई गुण नहीं होता। और चाणक्य नीति में कहा गया है कि क्रोध साक्षात यम है, तृष्णा नरक की ओर ले जाने वाली वैतरणी है, ज्ञान कामधेनु है, और संतोष ही नंदन वन है, और नीति भ्रष्ट होने से सुंदरता का नाश होता है, हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश होता है, पूर्णता ना आने से विद्या का नाश होता है, और उचित विनियोग के बिना धन का नाश होता है। और जो जल धरती में समा गया वो शुद्ध है, परिवार को समर्पित पत्नी शुद्ध है, लोगों का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध है, और वह ब्राह्मण शुद्ध है जो खुद से संतुष्ट है, और असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, कठोर आचरण करने वाली गृहिणी, ये सभी लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। और क्या करना ऊंचे कुल का यदि बुद्धिमत्ता ना हो। एक नीच कुल में उत्पन्न होने वाले विद्वान व्यक्ति का सम्मान देवता भी करते हैं, और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान व्यक्ति लोगों से सम्मान पाता है, विद्वान उसकी विद्वता के लिए हर जगह सम्मान पाता है। ये बिल्कुल सच है कि विद्या हर जगह सम्मानित है। और जो लोग दिखने में सुंदर हैं, जवान हैं, ऊंचे कुल में पैदा हुए हैं, वो बेकार हैं यदि उनके पास विद्या नहीं है। वो तो पलाश के फूल के समान हैं जो दिखते तो अच्छे हैं पर महकते नहीं। और ये धरती उन लोगों के भार से दबी जा रही है जो मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, बेवकूफ हैं। वह सब आदमी होते हुए भी पशु ही होते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह लोग जो दूसरों की गुप्त खामियों को उजागर करते हुए फिरते हैं वो उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह कोई सांप चींटियों के टीलों में जाकर मर जाता है। और चाणक्य नीति में आगे लिखा है कि शायद किसी ने ब्रह्मा जी को, जो इस सृष्टि के निर्माता है, उनको ये सलाह नहीं दी कि वह सुवर्ण को सुगंध प्रदान करें, गन्ने के झाड़ को फल प्रदान करें, चंदन के वृक्ष को फूल प्रदान करें, विद्वान को धन प्रदान करें, और राजा को लंबी आयु प्रदान करें, और अमृत सबसे बड़ी औषधि है, इंद्रिय सुख में अच्छा भोजन सर्वश्रेष्ठ सुख है, नेत्र सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ है, और मस्तिष्क शरीर के सभी भागों में श्रेष्ठ है, और कोई संदेश वाहक आकाश में जा नहीं सकता, और आकाश से कोई खबर आ नहीं सकती, वहां रहने वाले लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती, और उनके साथ कोई संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए वह ब्राह्मण जो सूर्य और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करता है उसे विद्वान मानना चाहिए, और इन सातों को जगा दिया जाना चाहिए यदि वह सो जाए तो। विद्यार्थी को, सेवक को, पथिक को, भूखे आदमी को, डरे हुए आदमी को, खजाने के रक्षक को और खजानची को, और इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप को, राजा को, बाघ को, डंक करने वाले कीड़े को, छोटे बच्चे को, दूसरों के कुत्ते को और मूर्ख व्यक्ति को। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गरीबी पर धैर्य से मात करें, पुराने वस्त्रों को स्वच्छ रखें, बासी अन्न को गर्म करके खाएं, और अपनी कुरूपता को अपने अच्छे व्यवहार से मात दें, और आपको इंद्र के समान वैभव प्राप्त होगा यदि आप अपने भगवान के गले की माला अपने हाथों से बनाएं, अपने भगवान के लिए चंदन अपने हाथों से घिसें, और अपने हाथों से ही पवित्र ग्रंथों को लिखते हैं तो। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सुबह उठकर दिन भर जो दाव आप लगाने वाले हैं उसके बारे में सोचें, दोपहर को अपनी माँ को याद करें, और रात को चोरों को याद करना ना भूलें, और जिसके डांटने से सामने वाले के मन में डर पैदा नहीं होता, और प्रसन्न होने के बाद जो सामने वाले को कुछ देता नहीं वो ना किसी की रक्षा कर सकता है और ना ही किसी को नियंत्रित कर सकता, ऐसा आदमी भला क्या कर सकेगा। और जिन्होंने वेदों का अध्ययन पैसा कमाने के लिए किया, और जो नीच काम करने वाले लोगों का दिया हुआ अन्न खाते हैं, उनके पास कौन सी शक्ति हो सकती है। वो ऐसे भुजंगों के समान है जो दंश नहीं कर सकते। और जिसके पास धन नहीं है वो गरीब नहीं है, वह तो असल में रईस है अगर उसके पास विद्या है,
लेकिन जिसके पास विद्या नहीं है वो तो हर प्रकार से निर्धन है। और हमें अपना हर कदम फूक फूक कर रखना चाहिए, हमें छना हुआ जल पीना चाहिए, और हम वही बात बोलें जो शास्त्रों में सम्मत है, हम वही काम करें जिसके बारे में हम सावधानी पूर्वक सोच चुके हैं। और जिसे अपनी इंद्रियों की दृष्टि चाहिए वह विद्या अर्जन करने के सभी विचार भूल जाएं, जिसे ज्ञान चाहिए वह अपनी इंद्रियों की दृष्टि भूल जाए, और जो इंद्रिय विषयों में लगा है उसे ज्ञान कैसा, और जिसे ज्ञान है वह व्यर्थ की इंद्रिय दृष्टि में लगा रहे, यह संभव नहीं है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो क्या है जो कवि की कल्पना में नहीं आ सकता, वो कौन सी बात है जिसे करने में औरत सक्षम नहीं है, ऐसी कौन सी बकवास है जो दारू पिया हुआ आदमी नहीं करता, और ऐसा क्या है जो कौवा खा नहीं सकता। और नियति एक ऐसी चीज है जो एक भिखारी को राजा और राजा को भिखारी बनाती है, वह एक अमीर आदमी को गरीब और गरीब को अमीर क्षण भरों में कर सकती है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भिखारी एक कंजूस आदमी का दुश्मन है, एक अच्छा सलाहकार एक मूर्ख आदमी का शत्रु है, वह पत्नी जो हर पुरुष में रुचि रखती है उसके लिए उसका पति ही उसका शत्रु है, और जो चोर रात को काम करने निकलता है चंद्रमा उसका शत्रु है। और जिन लोगों के पास ये कुछ नहीं है, विद्या तप ज्ञान अच्छा स्वभाव गुण दया भाव, वो धरती पर मनुष्य के रूप में घूमने वाले पशु हैं, धरती पर उनका भार होता है। और जिनके भेजे खाली हैं वो कोई उपदेश नहीं समझते, यदि बांस को मलय पर्वत पर भी उगाया जाए तो भी उसमें चंदन के गुण नहीं आते। और जिसे अपनी कोई अकल नहीं उसकी शास्त्र भला क्या भलाई करेंगे, जैसे एक अंधा आदमी आईने का क्या करेगा। और एक बुरा आदमी सुधर नहीं सकता, एक पृष्ठ भाग को चाहे जितना साफ करे वह श्रेष्ठ भागों की बराबरी कभी नहीं कर सकता। और अपने निकट संबंधियों का अपमान करने से जान जाती है, दूसरों का अपमान करने से दौलत जाती है, राजा का अपमान करने से सब कुछ जाता है, और एक ब्राह्मण का अपमान करने से कुल का नाश होता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उदारता, वचनों में मधुरता, साहस, आचरण में विवेक, ये बातें कोई पा नहीं सकता, ये व्यक्ति के मूल स्वभाव में होनी चाहिए। और जो अपने समाज को छोड़कर दूसरे समाज को जा मिलता है वह उसी राजा की तरह नष्ट हो जाता है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। और हाथी का शरीर कितना विशाल है लेकिन एक छोटे से अंकुश से नियंत्रित हो जाता है, एक दिया घने अंधकार का नाश करता है। क्या दिया अंधेरे से बड़ा होता है, एक कड़कती हुई बिजली एक पहाड़ को तोड़ देती है, तो क्या बिजली पहाड़ जितनी विशाल है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वही बड़ा होता है जिसकी शक्ति छा जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आकार कितना है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो घर गृहस्थी के काम में लगा रहता है वो कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, मांस खाने वाले के हृदय में दया नहीं हो सकती, लोभी व्यक्ति कभी सत्य भाषण नहीं कर सकता, और एक शिकारी में कभी शुद्धता नहीं आ सकती, और एक दुष्ट व्यक्ति में कभी भी पवित्रता उदित नहीं हो सकती, उसे चाहे जैसे समझा लो, नीम का वृक्ष कभी मीठा नहीं हो सकता, उसे आप चाहे घी या शक्कर से सींच कर देख लें, और आप चाहे 100 बार पवित्र जल में स्नान करें, आप अपने मन का मैल नहीं धो सकते। उसी प्रकार जिस प्रकार मदिरा का पात्र पवित्र नहीं हो सकता, चाहे आप उसे गर्म करके सारी मदिरा की भाप बना दे। और जो व्यक्ति 1 साल तक भोजन करते समय भगवान का ध्यान करेगा और मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, उसे 1,000 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और एक विद्यार्थी को पूर्ण रूप से इन बातों का त्याग कर देना चाहिए, काम क्रोध लोभ स्वादिष्ट भोजन की अपेक्षा, शरीर का श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निंद्रा और शरीर निर्वाह के लिए अत्यधिक प्रयास। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह सही में ब्राह्मण है जो केवल 1 बार के भोजन से संतुष्ट रहे, जिस पर 16 संस्कार किए गए हो, और वह ब्राह्मण जो दूसरों के काम में अड़ंगे डालता है, जो दम्भी है, स्वार्थी है, धोखेबाज है, दूसरों से घृणा करता है और बोलते समय मुंह में मिठास और हृदय में क्रूरता रखता है, वह एक बिल्ली के समान है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह ब्राह्मण जो भगवान की मूर्ति की संपदा चुराता है, और वह आध्यात्मिक गुरु जो दूसरे की पत्नी के साथ समागम करता है, और जो अपना गुजारा करने के लिए कुछ भी और सब कुछ खा जाता है, वह चंडाल है। और एक गुणवान व्यक्ति को वो सब कुछ दान में दे देना चाहिए जो भी उसके पास उसकी आवश्यकता से अधिक है। केवल दान के कारण ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज तक चल रहे हैं,
देखिए उन मधुमक्खियों को जो अपने पैर दुखे से धरती पर पटक रही है। वो अपने आप से कहती है कि आखिर में सब चला ही गया, हमने हमारे शहद को बचा कर रखा था, उसे ना ही दान दिया और ना ही खुद खाया, एक ही पल में कोई हमसे उसे छीन कर चला गया। और वह ग्रस्त भगवान की कृपा को पा चुका है जिसके घर में आनंददायी वातावरण है, जिसके बच्चे गुणी हैं, जिसकी पत्नी मधुर वाणी बोलती है, जिसके पास अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त धन है और जो अपनी पत्नी से सुखपूर्ण संबंध रखता है, जिसके नौकर उसका कहा मानते हैं और जिसके घर में मेहमानों का स्वागत किया जाता है, जिसके घर में मंगलदायी भगवान की पूजा रोज की जाती है और जहाँ स्वाद भरा भोजन और पान किया जाता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वो लोग इस दुनिया में सुखी हैं जो अपने संबंधियों के प्रति उदार हैं, अनजाने लोगों के प्रति सहृदय रखते हैं, अच्छे लोगों के प्रति प्रेम भाव रखते हैं, नीच लोगों से दुर्दतापूर्ण व्यवहार करते हैं, विद्वानों से कुछ नहीं छुपाते और दुश्मनों के सामने साहस दिखाते हैं और अंततः बड़ों के प्रति विनम्र और पत्नी के प्रति सख्त रहते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस व्यक्ति का साथ तुरंत छोड़ दें जिसके हाथों ने कभी कोई दान नहीं दिया, जिसके कानों ने कोई विद्या ग्रहण नहीं की, जिसके आंखों ने भगवान का सच्चा भक्त नहीं देखा, जिसके पांव कभी तीर्थ क्षेत्रों में नहीं गए, जिसने अधर्म के मार्ग से कमाए हुए धन से अपना पेट भरा और जिसने बिना मतलब ही अपना सर ऊंचा उठा रखा है। ऐसे व्यक्ति को तो लोमड़ी को भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह दूषित होता है। और वसंत ऋतु क्या करेगी यदि बांस पर पत्ते नहीं आते, सूर्य का क्या दोष यदि उल्लू दिन में देख नहीं सकता, बादलों का क्या दोष यदि बारिश की बूंदें चातक पक्षी की चोंच में नहीं गिरती, उसे कोई कैसे बदल सकता है जो किसी के मूल में है। और एक दुष्ट के मन में सद्गुणों का उदय हो सकता है यदि वह एक भक्त से सत्संग करता है, लेकिन दुष्ट का संग करने से भक्त दूषित नहीं होता। जमीन पर जो फूल गिरता है उससे धरती सुगंधित होती है, लेकिन पुष्प को धरती की गंध नहीं लगती। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अजनबी से एक ब्राह्मण ने पूछा, बताइए इस शहर में महान क्या है। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि खजूर के पेड़ का समूह महान है। अजनबी ने सवाल किया कि यहाँ दानी कौन है। जवाब मिला कि वह धोबी जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को लौटाता है। फिर प्रश्न हुआ कि यहाँ सबसे काबिल कौन है। जवाब मिला कि यहाँ कोई हर दूसरे का द्रव्य है और दारा हरण करने में काबिल है। फिर प्रश्न हुआ कि आप ऐसी जगह कैसे रह लेते हो। जवाब मिला कि जैसे एक कीड़ा एक दुर्गंध युक्त जगह पर रहता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह घर जहां ब्राह्मणों के चरण कमल से धोया नहीं जाता, जहां वैदिक मंत्रों का जोर से उच्चारण नहीं होता और जहां भगवान और पितरों को भोग नहीं लगाया जाता, वह घर नहीं बल्कि एक शमशान है। और सत्य मेरी माता है, आध्यात्मिक ज्ञान मेरा पिता है, धर्माचरण मेरा बंधु है, दया मेरा मित्र है, भीतर की शांति मेरी पत्नी है, क्षमा मेरा पुत्र है। मेरे परिवार में ये 6 लोग हैं। इसका पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में हमेशा सुखी रहता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमारे शरीर नश्वर हैं, धन में तो कोई स्थायी भाव नहीं है, मृत्यु हरदम हमारे निकट है, इसलिए हमें तुरंत पुण्य कर्म करने चाहिए। और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन में आनंद आता है, गायों को ताजी कोमल घास खाने में और क्षत्रियों को युद्ध में आनंद आता है। और जो दूसरे की पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला, दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख, उसी को सही दृष्टि प्राप्त है और वही विद्वान है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भगवान राम में ये सभी गुण है, सद्गुणों में प्रीति, मीठे वचन, दान देने की तीव्र इच्छा शक्ति, मित्रों के साथ कपट रहित व्यवहार, गुरु की उपस्थिति में विनम्रता, मन की गहरी शांति, शुद्ध आचरण, गुणों की परख, शास्त्र के ज्ञान की अनुभूति, रूप की सुंदरता और भगवत शक्ति। और विद्या सफर में हमारा मित्र है, पत्नी घर पर मित्र है, औषधि रुग्ण व्यक्ति की मित्र है और मरते वक्त तो पुण्य कर्म ही मित्र है। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि राज परिवारों से शिष्टाचार सीखें, पंडितों से बोलने की कला सीखें, जुआरियों से झूठ बोलना सीखें और एक औरत से छल करना सीखें। और बिना सोचे समझे खर्च करने वाला व्यक्ति, नटखट बच्चा जिसका अपना घर नहीं है, हमेशा झगड़ा करने वाला आदमी, अपनी पत्नी को दुर्लक्षित करने वाला जो अपने आचरण पर ध्यान नहीं देता,
ये सब लोग जल्दी ही बर्बाद हो जाते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, उसे सिर्फ अपने धर्म को निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन पर जन्म से ही अधिकार होता है, और जिसे दौलत, अनाज और विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह व्यक्ति सुखी रहता है और बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी तरह बूंद बूंद से ज्ञान, गुण और संपत्ति प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति अपने बुढ़ापे में भी मूर्ख है, वो सचमुच मूर्ख है। उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्र वरुण का फल कितना भी पके लेकिन मीठा नहीं होता। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आदमी एक पल के लिए भी जिए तो उसी पल को वह शुभ कर्म करने में खर्च करे, और हम उसके लिए ना पछताएं जो बीत गया। हम भविष्य की चिंता कभी ना करें। विवेक बुद्धि रखने वाले लोग केवल वर्तमान में जीते हैं। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ये देवताओं का, संत जनों का और पालकों का स्वभाव है कि वह जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। निकट के और दूर के रिश्तेदार तब प्रसन्न होते हैं जब उनका आदर सम्मान किया जाए, उनके नहाने का, खाने पीने का प्रबंध किया जाए। पंडित जन तब प्रसन्न होते हैं जब उन्हें आध्यात्मिक संदेश देने का मौका दिया जाता है। और जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो ये पांच बातें तय हो जाती है, उसकी कितनी लंबी उम्र होगी, वह क्या करेगा और कितना धन और ज्ञान अर्जित करेगा और उसकी मौत कब होगी। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देखिए क्या आश्चर्य है, बड़े लोग अनोखी बात करते हैं। वह पैसे को तो तिनके की तरह मामूली समझते हैं, लेकिन जब वह उन्हें प्राप्त होता है तो उसके भार से और विनम्र होकर वह झुक जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने घर के लोगों से बहुत आसक्ति रखता है, वह भय और दुख को पाता है। आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जिसे सुखी होना है उसे आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। और जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी परिस्थिति को चतुराई से निपटता है, ये दोनों व्यक्ति सुखी हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ नसीब के सहारे चलता है वह बर्बाद हो जाता है। और यदि राजा पुण्यतमा है तो प्रजा भी वैसी होती है, यदि राजा पापी है तो प्रजा भी पापी है, यदि वह सामान्य है तो प्रजा भी सामान्य है। प्रजा के सामने राजा का उदाहरण होता है और वो उसका अनुसरण करती है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मेरी नजरों में वह आदमी मृत है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता, लेकिन जो धर्म पालन में अपने प्राण दे देता है वह मरने के बाद भी बेशक लंबा जीता है। और जिस व्यक्ति ने ना ही कोई ज्ञान संपादन किया, ना ही पैसा कमाया, मुक्ति के लिए जो आवश्यक है उसकी पूर्ति भी नहीं की, वह एक निहायत बेकार जिंदगी जीता है, जैसे बकरी की गर्दन से झुकने वाले स्तन। और जो नीच लोग होते हैं वो दूसरों की कीर्ति को देखकर जलते हैं, वो दूसरे के बारे में अपशब्द कहते हैं क्योंकि उनकी कुछ करने की औकात नहीं होती। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो आत्म स्वरूप का बोध होने से खुद को शरीर नहीं मानता, वह हरदम समाधि में ही रहता है, भले ही उसका शरीर कहीं भी क्यों ना चला जाए। और जिस प्रकार एक गाय का बछड़ा हजारों गायों में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी तरह इंसान के अच्छे बुरे कर्म हमेशा उसके पीछे चलते हैं। और जिसके काम करने में कोई व्यवस्था नहीं, उसे कोई सुख नहीं मिल सकता। लोगों के बीच में या वन में लोगों के मिलने से उसका हृदय जलता है और हमें अपने कर्म का फल मिलता है। हमारी बुद्धि पर इसके पहले हमने जो कर्म किए हैं उसका निशान रहता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोच विचार करके ही कर्म करते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको आध्यात्मिक महत्ता का एक अक्षर भी पढ़ाया है उसकी पूजा करनी चाहिए। जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता वह 100 बार कुत्ते का जन्म लेता है और आखिर में चंडाल बनता है, और चंडाल वो है जो कुत्ता खाता है। और इस धरती पर अन्न, जल और मीठे वचन ये असली रत्न है, और मूर्खों को लगता है कि पत्थर के टुकड़े रत्न है। और गरीबी, दुख और एक बंदी का जीवन, ये सब एक व्यक्ति के किए हुए पापों का ही फल है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप दौलत, मित्र, पत्नी और अपना राज्य गवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गवा देते हैं तो वह वापस नहीं मिलेगी। और यदि हम बड़ी संख्या में एकत्र हो जाएं तो दुश्मन को हरा सकते हैं। उसी प्रकार जैसे घास के तिनके एक दूसरे के साथ रहने के कारण भारी बारिश में भी क्षय नहीं होते, और पानी पर तेल, एक कमीने आदमी को बताया हुआ राज, एक लायक व्यक्ति को दिया हुआ दान और एक बुद्धिमान व्यक्ति को पढ़ाया हुआ शास्त्रों का ज्ञान अपने स्वभाव के कारण तेजी से फैलते हैं। और वह व्यक्ति क्यों मुक्ति को नहीं पाएगा जो इन परिस्थितियों में जो उसके मन की अवस्था होती है उसे कायम रखता है।
जब वह धर्म के अनुदेश को सुनता है, जब वह शमशान घाट में होता है और जब वह बीमार होता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम में अभिमान नहीं होना चाहिए जब हम ये काम करते हैं। परोपकार, आत्मसंयम, पराक्रम, शास्त्र का ज्ञान हासिल करना, विनम्रता, नीतिमत्ता, ये करते वक्त अभिमान करने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि दुनिया बहुत कम दिखाई देने वाले दुर्लभ रत्नों से भरी पड़ी है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह जो हमारे मन में रहता है, हमारे निकट है, हो सकता है कि वह वास्तव में हमसे बहुत दूर हो, लेकिन वह व्यक्ति जो हमारे निकट है लेकिन हमारे मन में नहीं है, वह हमसे बहुत दूर होता है। और यदि हम किसी से कुछ छुपाना चाहते हैं तो उससे ऐसे शब्द बोलें जिससे वह प्रसन्न हो जाए। उसी प्रकार जैसे एक शिकारी मधुर गीत गाता है जब वह हिरण पर बाण चलाना चाहता है। और जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्म गुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इनसे पूर्ण रूप से अलिप्त रहता है, उसे अपना भला करने का कोई अवसर नहीं मिलता। इसलिए इनसे सुरक्षित अंतर रखकर संबंध रखना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य नीति के एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हम सभी को इनके साथ बहुत सावधानी से पेश आना चाहिए जब जब हम इनके संपर्क में आते हैं। अग्नि, पानी, औरत, मूर्ख, सांप, राज परिवार के सदस्य, क्योंकि ये हमें एक झटके में मौत तक पहुंचा सकते हैं। और वही व्यक्ति जीवित है जो गुणवान है और पुण्यवान है। लेकिन जिसके पास धर्म और गुण कुछ नहीं है, उसे क्या शुभकामना दी जा सकती है? और यदि आप दुनिया को एक काम करके जीतना चाहते हो तो इन 15 चीजों को अपने काबू में रखो, इन्हें इधर उधर ना भागने दें। 5 इंद्रियों के विषय, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जिसकी गंध आती है, जिसका स्वाद आता है और जिनका स्पर्श होता है। 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और 5 कामेंद्रियां, हाथ, पांव, मुंह, जननेंद्रियां और गुर्दा। और एक ही वस्तु देखने वालों की योग्यता के अनुरूप अलग अलग दिखती है। तप करने वाले में वस्तु को देखकर कोई कामना नहीं जागती। लंपट आदमी को हर वस्तु में स्त्री दिखती है और कुत्ते को हर वस्तु में मांस दिखाई देता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो इन बातों को कभी किसी को ना बताए। वह औषधि उसने कैसे बनाई जो अच्छा काम कर रही है, वह परोपकार जो उसने किया, उसके घर के झगड़े और उसकी पत्नी के साथ होने वाली व्यक्तिगत बातें और जो गालियां उसने सुनी हैं। और कोकिल पक्षी तब तक मौन रहते हैं जब तक वो मीठा गाने की काबिलियत हासिल नहीं कर लेते और सबको आनंद नहीं पहुंचा सकते। और इन बातों को प्राप्त करें और उसे कायम रखें। पुण्य कर्म के जो आशीर्वाद मिले, धन, अनाज और वो शब्द जो हमने हमारे आध्यात्मिक गुरु से सुने, कम पाई जाने वाली दवाइयां, हम ऐसा नहीं करते तो जीना मुश्किल हो जाएगा। और वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। और इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु ने ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्जे से मुक्त कर सके। और कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के 2 उपाय हैं। पैरों में जूते पहनो और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहें। और जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं हैं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी सब उसे छोड़कर चले जाते हैं। और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। मतलब दौलत ही इंसान का सबसे अच्छा रिश्तेदार है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल तक रह सकता है, 11वें साल वह लुप्त हो जाता है, वो भी उसकी मुद्दल के साथ। और एक महान व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। और एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्राशन किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। और एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है।
प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है, खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं, और वही बुद्धिमता है जो पाप करने से रोकती है, और वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो वो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। और शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत है जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी जाता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह आदमी चंडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके अतिथि को आदर सत्कार किए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। और एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। और वह लोग धन्य है, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वह ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं है जो सामान्य जहाज पर सवार है जिसके अंदर डूबने का खतरा बना रहता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों का देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है लेकिन फूल की पंखड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। और चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़े होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को कभी नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में जीवन क्यों ना बसर करना पड़े। और यहाँ ऐसा कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? और किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गण पाकर सुख प्राप्त किया? आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को महत्ता उसके गुण प्रदान करते हैं। वह जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता। क्या आप एक कौवे को गरुड़ कहेंगे यदि वह एक ऊंची इमारत की छत पर जाकर बैठ जाता है? और जो व्यक्ति गुणों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सराहना करते हैं, वह दुनिया में काबिल माना जाता है। लेकिन जो आदमी खुद ही टींगे हाँकता है, वो अपने आप को दूसरों की नजरों में गिराता है, भले ही वह स्वर्ग का राजा इंद्र क्यों ना हो। और यदि एक विवेक संपन्न व्यक्ति अच्छे गुणों का परिचय देता है तो उसके गुणों की आभा को रत्न जैसी मान्यता मिलती है। एक ऐसा रत्न जो प्रज्वलित है और सोने के अलंकार में मढ़ने पर और चमकता है। और वह व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे समुचित संरक्षण नहीं मिल जाता। उसी प्रकार जैसे एक मणि तब तक नहीं निखरता जब तक उसे आभूषण में ना सजाया जाए। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे वह दौलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े, या सदाचार का त्याग करना पड़े, या अपने शत्रु की चापलूसी करनी पड़े। और जो अपनी दौलत पकवान स्त्री भोग कर संतुष्ट नहीं हुए, ऐसे बहुत लोग मर चुके हैं और अभी भी मर रहे हैं और भविष्य में मरते रहेंगे। और सभी परोपकार और तप तात्कालिक लाभ देते हैं, लेकिन सुपात्र का जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो संरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। और दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि घास का तिनका हल्का है, कपास उससे भी हल्का है, भिखारी तो अनंत गुना हल्का है, फिर हवा का झोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता? क्योंकि वह डरता है कि कहीं वह उससे भीख ना मांग ले।
और आचार्य चाणक्य कहते हैं, बेइज्जत होकर जीने से अच्छा है कि मर जाएं। मरने में एक क्षण का दुख होता है, पर बेइज्जत होकर जीने में हर रोज दुखों का सामना करना पड़ता है। और सभी जीव मीठे वचनों से आनंदित होते हैं, इसलिए हम सबसे मीठे वचन कहें। मीठे वचन की कोई कमी नहीं होती। और इस दुनिया के वृक्ष को दो मीठे फल लगे हैं, एक मधुर वचन और दूसरा सत्संग। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यार्जन और तप इस जन्म में भी चलती रहती है, क्योंकि सभी जन्म एक श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। और जिसका ज्ञान किताबों में सिमट गया और जिसने अपनी दौलत दूसरों को सुपुर्द कर दी है, वह जरूरत आने पर ज्ञान या दौलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और वह विद्वान जिसने असंख्य किताबों का अध्ययन बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से कर लिया, वह विद्वानों की सभा में एक सच्चे विद्वान के रूप में नहीं चमकता। उसी प्रकार जिस प्रकार एक नजायज औलाद को दुनिया में कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, और हमें दूसरों से जो मदद प्राप्त हुई है उसे हमें लौटाना चाहिए, उसी प्रकार यदि किसी ने हमसे दुष्टता की है तो हमें भी उससे दुष्टता करनी चाहिए। ऐसा करने में कोई पाप नहीं है। और वह चीज जो दूर दिखाई देती है, जो असंभव दिखाई देती है, जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है, वह भी आसानी से हासिल हो सकती है यदि हम तप करते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के सूत्रों का अभ्यास करके ज्ञान ग्रहण करेगा, उसे अत्यंत वैभवशाली कर्तव्य के सिद्धांत ज्ञात होंगे। उसे इस बात का पता चलेगा कि किन बातों का अनुसरण करना चाहिए और किन का नहीं। उसे अच्छाई और बुराई का भी ज्ञात होगा और अंततः उसे सर्वोत्तम ज्ञान भी हासिल हो जाएगा। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। और दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, बदमाश नौकर और सांप के साथ निवास करना साक्षात मृत्यु के समान है। और व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी, जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। और उस देश में निवास ना करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं है, जहां आप रोजगार नहीं पा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जगह पर एक दिन भी निवास ना करें जहां पर ये पांच ना हो। एक धनवान व्यक्ति, एक ब्राह्मण जो वैदिक शास्त्रों में निपुण हो, एक राजा, एक नदी और एक चिकित्सक। और एक बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां रोजगार कमाने का कोई साधन ना हो, जहां लोगों को किसी बात का भय ना हो, जहां लोगों को किसी बात की लज्जा ना हो, जहां लोग बुद्धिमान ना हो और जहां लोगों की वृत्ति दान धर्म करने की ना हो। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन ना कर रहा हो, रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो, मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें, और जब आपका वक्त अच्छा ना चल रहा हो तब अपनी पत्नी की परीक्षा करें। और अच्छा मित्र वही है जो हमें इन परिस्थितियों में अकेला नहीं छोड़ता। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना के होने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना हो और जब हमें शमशान घाट जाना हो। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी नाशवंत चीज के लिए कभी नाश नहीं होने वाली चीज को छोड़ देता है तो उसके हाथ से अविनाशी वस्तु तो चली जाती है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि नाशवान को भी वह खो देता है। और इन चार पर कभी विश्वास ना करे। नदियों पर, जिन व्यक्तियों के पास अस्त्र शस्त्र हो, नाखून और सींग वाले पशु पर, और राजघरानों के लोगों पर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर हो सके तो विष से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो भी उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो उसे ग्रहण करें।
और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा भूख 2 गुना, लज्जा 4 गुना और साहस 6 गुना होता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्यों में और निम्न स्तर के प्राणियों में खाना, सोना, घबराना और गमन करना समान होता है। मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, वो भी विवेक ज्ञान की बदौलत। इसलिए जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं वह पशु है। और यदि मदमस्त हाथी अपने माथे से टपकने वाले रस को, पीने वाले भोरों को कान हिलाकर उड़ा देता है तो भोरों का कुछ नहीं जाता, वह कमल से भरे हुए तालाब की ओर खुशी से चले जाते हैं, बल्कि हाथी के माथे का श्रृंगार कम हो जाता है। और ये सातों कभी दूसरों का दुख समझ नहीं सकते। राजा, यमराज, अग्नि, चोर, छोटा बच्चा, भिखारी और कर वसूलने वाला। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हे केत की पुष्प, तुम में तो कीड़े रहते हैं, तुम में ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए। तुम्हारे पत्ते कांटों से ढके हैं, तुम टेढ़े होकर बढ़ते हो, कीचड़ में खिलते हो, कोई तुम्हें आसानी से पा नहीं सकता। लेकिन तुम्हारी अतुलनीय खुशबू के कारण दूसरे पुष्पों की तरह सभी को प्रिय हो। इसलिए एक ही अच्छाई अनेक बुराइयों पर भारी पड़ती है। और सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कि अपने राज कभी किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। और एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसी ही हैं जैसे एक अंधे आदमी के लिए आईना। और एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती और मधुर वाणी में होती है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति को कितना भी सम्मान देकर देख लो, वह सदा दुख ही देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।